हेलो फ्रेंड्स, आपका एंटरटेनमेंट एजुका में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ जियो की एक ऐसी नई एपीएन सेटिंग जिससे आपकी नेट की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी और आप यूट्यूब पर और कई वेबसाइट्स पर आप बिना बफरिंग के वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, वो भी फुल HD क्वालिटी में। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग पर, फिर आपको जाना है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स, उसके बाद आपको जाना है जियो 4G। आपके अलग अलग मोबाइल में क्या होता है कि अलग अलग जगह एसएस पॉइंट नेम्स लिखा रहता है, अलग अलग जगह मिलता है, तो आपको एसएस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल में कहीं और दिया होगा, आपको एसएस पॉइंट नेम्स पर जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो सेटिंग है इसे सबसे पहले आपको डिलीट कर देनी है। इस पर क्लिक करके आपको डिलीट APN डिलीट कर देनी है। डिलीट होने के बाद आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करना है। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग के अंदर। उसके बाद आपको देखना है कि नेम पर इंटरनेट होना चाहिए, APN पे जियो नेट होना चाहिए, पोर्ट पर आपको टाइप करना है 3128, फिर ओके कर देना है। उसके बाद आपको जाना है सर्वर पे। सर्वर में आपको टाइप करना है www.wfgo5%4g.com। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और ऑथेंटिकेशन टाइप में आपको करना है नन। फिर आपको नीचे आना है, APN टाइप पर आपको करना है डिफ़ॉल्ट XCAP। APN टाइप में आपको करना है टाइप डिफ़ॉल्ट XCAP, फिर ओके कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं APN प्रोटोकॉल में IPv4/IPv6 ही रहने देना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी IPv4/IPv6 ही रहने देना है। बियरर में आपको क्लिक करना है LTE, अनस्पेसिफाइड को हटा देना है और LTE कर देना ऑप्शन पे, ठीक। फिर ओके करना है। तो ये हो गई हमारी APN सेटिंग जिससे आप बहुत तेज़ इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। फिर से आप देख लीजिए क्या किए हैं। नेम इंटरनेट, APN जियो नेट, पोर्ट 3128, सर्वर www.jio5%4g.com, ऑथेंटिकेशन टाइप नन, APN डिफ़ॉल्ट XCAP, APN प्रोटोकॉल IPv4/IPv6, बियरर पे आपको LTE करके इसे सेव कर देना है। सेटिंग आपको सेव हो जाने के बाद आप ज़रूर YouTube पर आप फुल HD के वीडियो का आनंद ले सकते हैं, वो भी बिना बफरिंग के। ये प्रूव्ड है। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।